जी तो व्यूवर्स, आज मैं जाने लगा हूँ हूपर वैली, हूपर ग्लेशियर पे। आप दोस्तों को बताता चलूँ कि हूपर वैली जाने के लिए हमें पहले आना पड़ता है अलियाबाद। अलियाबाद हुंजा वैली का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके से ट्रांसपोर्ट आती है। रावलपिंडी से अलियाबाद का फासला 670 किलोमीटर और गिलगित से इसका फासला 100 किलोमीटर है। जी तो व्यूअर्स, यही रोड कैना बॉर्डर तक जाता है और इसी रोड पे 30 किलोमीटर के बाद अताबाद लेक आ जाती है। लेकिन मैंने आज जाना है हूपर वैली की तरफ। ये जो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है, इससे मैंने राइट साइड पे टर्न हो जाना है और जो नीचे को सड़क उतर रही है ये गणेश गांव की तरफ जाती है, जो कि मैं पहले इसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं। मेरा ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस बार हूँ बाइक पे और बाइक में मेरे साथ हैं हैदर अली। यहाँ से हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लेंगे, यहाँ से ही एक सड़क नगर की तरफ निकल जाएगी और दूसरी हूपर वैली की तरफ। आज हम लोगों ने जाना है नगर की तरफ। तकरीबन 2 किलोमीटर हमारे साथ दरियाए सिंध चलेगा। ये दरिया, इस दरिया के बारे में यहाँ के मुकामी लोगों ये कहते हैं कि ये दरिया जो है ये हमारे लिए लाशें लेके आता है, खूनी दरिया कहते हैं इसको। और साथ ही ये जो दरिया है ये हूपर वैली साइड से आता है। इसकी दोनों साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं लैंडस्लाइडिंग वाले पहाड़ हैं और इस दरिया के बारे में ये कहते हैं कि ये हमारे लिए सोना लेके आता है। मैंने देखा भी है लोग यहाँ पे बैठ के सोना निकालते हैं, बस उनकी वीडियो इसलिए शूट नहीं की, वो कहते हैं कि भाई बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, पुलिस वाले हमें तंग करते हैं, तो आप वैसे देख लें, विज़िट करें लेकिन हमारी वीडियो शूट ना करें। मैंने भी मुनासिब यही समझा कि इनका रोज़ी रोटी का मसला है तो मुझे इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं फिर से हूपर वैली की तरफ निकला हूँ। काफ़ी सर्दी लग रही है लेकिन बाइक है, इंजॉय भी कर रहे हैं, धूप निकली हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे कहीं किसी जगह पे रुकता हूँ मुनासिब जगह देख के, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोशन का लेप अपनी जिल्द और हाथों पे कर लूँ। ये देखें लैंडस्लाइडिंग रोड के साथ साथ, तो पहले मैं रुक के ये काम कर लूँ क्योंकि ये ना हो कि मैंने इधर काफ़ी दिन रुकना है और मेरी जिल्द ख़राब हो जाए। तो ऊपर काफ़ी सर्दी है, इससे पहले कि जल्द ख़राब हो हम अच्छी तरीके से ना जिल्दन का लेप करते हैं ताकि हम बच सकें सर्दी से। ज़्यादा मकदार में लोशन लगा लें ताकि आपकी जिल्द ना खराब हो जाए। मेरे मालिक के ट्रैवलिंग का ऐसा शौक मुझे पैदा हुआ है, कहाँ मैदानी इलाके और कहाँ ये पहाड़, ये खुदा की कुदरत देखते हैं। इस तरफ वो मानी के दरख्त हैं सारे दरख्त, और इस तरफ जो पहाड़ है ये मादनियाँ से भरा हुआ पहाड़ है। ये पत्थरों की तस्वीर देख अकल दंग रह जाए। अब मैं जाऊँगा ऊपर, बहुत अभी जा रही है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया मेरे।